वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड हम एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब है जो हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका हमने सोल्यूशन ग्राफ से निकालना है। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड हमारे तीन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारे तीन एल्जेब्रिक मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4। हम 3.3 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, बट वो बाद में करेंगे। इन तीनों को अगर हम देखें तो हमारा एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान है, और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड थोड़ा सा टफ है सबसे, ये कह सकते हैं आप। तो आप एलिमिनेशन मेथड हम पहले करते हैं, क्योंकि ये आप जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं पेपर में मेंशन नहीं होता कि आप किस मेथड से करें। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, पहले आप एलिमिनेशन मेथड सीखें बेटर है। क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व द इक्वेशंस। ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लिखा हुआ है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो आपको उससे भी आ जाएगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूविंग, एलिमिनेट करना, यानी कि हम दो इक्वेशन है हमारे पास टू वेरिएबल्स में, तो हम एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे या ये कहीं रिमूव करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारी जो नई इक्वेशन आएगी वो एक वेरिएबल में आ जाएगी, वहां से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं, क्या है प्रोसीजर, हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा जो एलिमिनेशन मेथड का है कि आप एक्स या वाई के कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। देखो एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे वाई का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे -3 है। ना तो वाई के कोफिशिएंट इक्वल है ना ही एक्स के कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। तो आप या तो एक्स के कोफिशिएंट इक्वल बनाने या वाई के, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं वाई के कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। y के कोफिशिएंट इक्वल कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो मैं इसको कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं 1 से। देखो इसका जो कोफिशिएंट है 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी 3y बनेगा। ऐसा नहीं है हमने y के कोफिशिएंट इक्वल बनाए, आप x के कोफिशिएंट भी इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। हमने y के कोफिशिएंट इक्वल बनाए हैं, ये हो गया हमारा 3 से पूरी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, 3x + 3y = 15। अरे 1 से मल्टीप्लाई करें 2x - 3y = 4। आ गए हमारे कोफिशिएंट इक्वल। अगर कोफिशिएंट इक्वल हैं, मान लो आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में ही ये इक्वेशन दी होती तो हमें जरूरत नहीं थी कोफिशिएंट इक्वल बनाने की, y के कोफिशिएंट इक्वल है हमारे, ठीक है। कोफिशिएंट इक्वल आने के बाद एक इक्वेशन को आपने दूसरी इक्वेशन में से या तो माइनस करना है या ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड कब करना है, माइनस कब करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जो नई इक्वेशन आई है, ये मान लिया हमारी इक्वेशन थर्ड है, ये फोर्थ है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। देखिए ऐड करेंगे ये प्लस का ये माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमने रिमूव एक एलिमिनेट हो गया हमारा वेरिएबल वाई। अगर अपोजिट साइन है तो आप ऐड करेंगे, अगर सेम साइन है तो माइनस करेंगे। अगर ये प्लस का 3y होता आप माइनस का करते, यानी कि कटने हैं ये, कैंसिल करने हैं। और कैंसिल कब होंगे, कब होंगे कैंसिल, जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है। प्लस माइनस 3 + 2 5x ऐड कर रहे हैं हम दोनों को, ये कितना आ गया 19। तो ये हमारी इक्वेशन, यानी कि जो कोफिशिएंट इक्वल आने के बाद एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाना है या ऐड करना है, हमने यहां पे ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो हमारी इक्वेशंस एक
वेरिएबल में आ जाएगी, वहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दिस इंप्लाइज 5x इज इक्वल टू 19, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 19/5। आगे हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद ये वैल्यू हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में, आपकी मर्जी, इन जो नई इक्वेशन आई थी हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें भी पुट कर सकते हैं, बेटर है आप जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उनमें पुट करें, किसी में ही पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन वन, तो दिस इंप्लाइज 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 19, तो y इज इक्वल टू 6/5, तो ये दोनों वैल्यू जो x और y की आई है हमारी, दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखिए हमने यहां पे एक वेरिएबल को y हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया ना, तो इक्वेशन हमारी किस में आ गई, x में। अगर हम x के कोफिशियंट इक्वल बनाते या को इसको 2 से मल्टीप्लाई करते इसको 1 से, तो हमारा ये 2x आ जाता, ये भी 2x, दोनों प्लस होते, इनको फिर हम क्या करते, दोनों इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करते, क्योंकि दोनों ये भी 2x पॉजिटिव ये भी 2x पॉजिटिव ऐसे तो कैंसिल होंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू आई है, अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं ठीक है हमारा गलत है, कि x और y की जो वैल्यूज आई हैं वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ये वैल्यूज हमारी इक्वेशन को, दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब एक स्टेप और देखें आप, अगर यहां पे जैसे हमारा 5x इक्वल टू 19 आ गया, यहां पे तो वैल्यू आ गई हमारी x की, एक तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जहां पे फॉर एग्जांपल x ना आए, 5 इक्वल टू 19 आ गया, वैल्यू नहीं आई किसी भी वेरिएबल की, क्या दोनों इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आप बोलेंगे इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, यानी कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, आपको पता है इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफिनिटली मैनी भी हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, अगर इस टाइप का यहां पे प्लस माइनस करने के बाद ऐसी स्टेटमेंट आती है कि फॉल्स हो तो नो सॉल्यूशंस, अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है मान लो यहां पे 19 आ गया तो 19 इज इक्वल टू 19 ट्रू है, अगर ट्रू स्टेटमेंट आती है तो आप बोलेंगे देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, वहीं पे हमारा क्वेश्चन रुक जाएगा, आप बोलेंगे आप लिखेंगे ए ट्रू स्टेटमेंट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ गई तो आप लिखेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन, वहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। यहां पे तो हमारी इस क्वेश्चन में क्या हो गया, वैल्यू आ गई वेरिएबल की, इसलिए आगे हम बढ़ गए। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं, सोल्व द इक्वेशंस, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन में लिखा बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट हम एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इनको सोल्व करना है, हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, तो हमारे पास गिवन क्या है, x by 2 plus 2y/3 is equal to minus 1, तो LCM लेंगे हम इन दोनों equations को standard form में लेके आएंगे, standard form का मतलब ax plus by plus c is equal to 0, पहली जो हमने question किया है वो standard form में था, अभी fraction में है, LCM ले लो, 3 to 6, 3 आ गया, 3x, 2, 2 to 4y is equal to minus 1, तो क्या गया हमारे पास 3x plus 4y is equal to minus 6, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, और सेकंड इक्वेशन है जो हमारी x minus y by 3 is equal to 3, LCM कितना आ गया 3, तो 3x इसके नीचे इसका मतलब 1 है, minus y is equal to 3, और 3x minus y is equal to cross multiply करेंगे 3 जा 19, अब दोनों इक्वेशंस को आपने वही देखो, दो इक्वेशन हमारे सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, अब ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिली और इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिली, सॉल्विंग इक्वेशन
वन एंड टू दोनों को अब या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। देखें 3x प्लस 4y, 3x माइनस वाई। अब देखें क्या कोफिशियंट इक्वल है, x का कोफिशियंट देख लो या y का कोफिशियंट। देखें x का कोफिशियंट ऑलरेडी इक्वल है तो हमें इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको कोफिशियंट इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे x के कोफिशियंट इक्वल है। तो इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से इसको क्या कर दो माइनस कर दो, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर दो माइनस। क्यों? क्योंकि 3x में से 3x माइनस होगा तभी तो जीरो बनेगा, तभी कटेंगे दोनों ये, यानी कि जिनके कोफिशियंट इक्वल होते हैं वो वेरिएबल हमारा रिमूव होता है और जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है। तो माइनस करें, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये माइनस, तो ये प्लस है ये माइनस, कैंसिल हो गई, दोनों सेम साइन है तो आप माइनस करेंगे और अपोजिट साइन है तो आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें प्लस फोर अब ये माइनस का नहीं रहा, प्लस का वन बन गया, फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन। तो वाई की वैल्यू यहां पे आ गई ना, मैंने जैसे ही बताया था आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। अगर x एलिमिनेट होगा तो y की वैल्यू आएगी और y एलिमिनेट होगा तो हमारी x की वैल्यू आएगी और यहां पे हमारा कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट हो गया x, तो y की वैल्यू आ गई। पुट y इक्वल टू ये वैल्यू इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे जो आपको सुटेबल लगता है, किसमें पुट कर दे हम सेकंड में, तो सेकंड में हमने 3x माइनस माइनस थ्री इक्वल टू नाइन, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू नाइन, 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है, x की 2 हमने वैल्यू पुट की 6 हो गया, 6 माइनस माइनस प्लस 3 9। अगर x की और y की वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, हेंस These are the solutions of the given equations. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फाइव पार्ट्स हैं, पांच के पांच पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है वर्ड प्रॉब्लम से, फिर उनका हमने सॉल्यूशन निकालना है। जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 में भी और 3.5 में भी इस टाइप का क्वेश्चंस, जो हमारे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको बस उनकी जो कंसेप्ट है हमारा उनका बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़ी आसानी से। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से क्या करें हम 1 सब्ट्रैक्ट करें, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो एक फ्रैक्शन है हमारा वो कितना बन जाता है, रिड्यूसेस, एक तो रिड्यूस का मतलब होता है घटना, यहां पे रिड्यूस का मतलब है किसके इक्वल हो जाता है वो, फ्रैक्शन बिकम्स 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन, जो क्वांटिटी मैंने पहले ही बताया आपको, जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको सपोज कर लेते हैं, हम फ्रैक्शन निकालना है तो लेट फ्रैक्शन बी, हमने फ्रैक्शन मान लिया एक्स बाई वाई, ये हमने निकालना है, इसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की और वाई की, x हमारा यहां पे क्या है न्यूमरेटर और y क्या है हमारा डिनोमिनेटर। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है देखिए, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, समझ आ गया ये, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें, अब फ्रैक्शन जो हमारा जो फ्रैक्शन है, अब जो नया फ्रैक्शन आया
देखो पहला हमारा फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, मान लो 3/5 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें से 1 माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में से, तो हमारा नया फ्रैक्शन आएगा वो बदल जाएगा ना, तो वही कह रहा है। तो द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूस का मतलब कन्वर्ट हो जाता है 1 के, बिकम्स द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 1, यानी कि इज इक्वल टू 1, ये है हमारा। तो दिस इंप्लाइज x + 1 इज इक्वल टू y - 1, दिस इंप्लाइज x, y को इधर ले आओ - 1 और उधर 1 माइनस का जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 1 उधर ट्रांसपोज करेंगे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस 2। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स का मतलब क्या, वो फ्रैक्शन की बात हो रही है कि फ्रैक्शन हमारा कितना बन जाता है 1/2, कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं हम, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, यानी कि इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये समझ में आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x y + 1, y को इधर लेके आए तो x - y = 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो 1 हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज टू माइनस 2 और सेकंड है 2x माइनस वाई इज टू 1। देखिए बेटर है जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, ये श्योर है पेपर में मेंशन हो गए, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं पेपर में मेंशन नहीं होता कि आपको किस मेथड से करना है, तो बेटर है एलिमिनेशन मेथड से करें। तो ये हमारे देखें, अभी मैंने आपको बताया था कोफिशियंट इक्वल है वाई के, तो हमें एक्स के कोफिशियंट इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, y के कोफिशिएंट इक्वल है बट सेम साइन है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो साइन क्या होते हैं, चेंज, एक माइनस का बन गया एक प्लस का हो गया, अब y कैंसल हो जाएगा, जिनके कोफिशिएंट इक्वल है वो कैंसल होते हैं, ये प्लस का तो सारे बदल जाएंगे साइन माइनस, तो ये हमारा क्या होगा, y कैंसल हो गया, ये माइनस माइनस, x माइनस 2x माइनस x और ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये वैल्यू हम किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दें, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो दिस इंप्लाइज 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो दिस इंप्लाइज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाइज फ्रैक्शन इज, देखिए यहां पे छोड़ दिया तो मार्क्स कट जाएंगे इसके, हाफ मार्क्स, फ्रैक्शन निकालना तो निकाला कहां आपने, फ्रैक्शन क्या था हमारा x / y, तो क्या है x 3, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन जो भी हमने फाइंड आउट करना था 3/5। अब देखिए अगर आप चेक करना चाहते हैं वो तो आप आंसर को चेक करके इक्वेशन पुट कर सकते हैं, देखें वही कह रहा था फ्रैक्शन हमारा 3/5 है, अगर 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करा हमने, पहली जो कंडीशन देखिए सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करें तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1, देख ले आप 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4 आ गया ना फ्रैक्शन, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी, न्यूमरेटर में अगर आप 1 ऐड कर दें तो कितना बन गया ऊपर 4 बन गया, और डिनोमिनेटर में कितना माइनस कर दें 1, 1 माइनस करा तो क्या बन गया 4/4, फ्रैक्शन हमारा जो नया फ्रैक्शन आया बन के वो कितना बना 1, वही तो कह रहा था क्वेश्चन में, ठीक है ये मैंने वैसे समझाने के लिए था, हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सेकंड पार्ट करते हैं, एजिस से रिलेटेड है और लगभग हर एक्सरसाइज में आपको एजिस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, 3.4 3.5 एक्सरसाइज में 3.3 एक्सरसाइज में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इनमें हमें ध्यान रखें जिनकी हमें एजिस निकालनी है हमें प्रेजेंट एजिस मानना ही है। अब इस क्वेश्चन में देखें 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी सोनू से कितना थी 3 गुना थी, 10 यानी कि नूरी 3 गुना थी, यानी कि नूरी 3 गुना किसका, सोनू का, इसका मतलब ये हो गया नूरी है ना 3 times, जैसे आपको पता है x मान लो y का 3 गुना हो तो आप ऐसे लिखते हो ना x इज इक्वल टू 3y, तो नूरी 3 गुना किसका, सोनू का। 10 years later
10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 साल के बाद 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. और ये कब की बात है? 5 इयर्स एगो. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो आज नूरी एंड सोनू की एज क्या है? तो 5 साल बाद या 5 साल पहले की एज तभी निकालेंगे अगर हमें आज की एज पता होगी. तो इसलिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई ईयर्स. फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर ऐसा होता, अगर ये प्रेजेंट में बात करता कि नूरी सोनू से 3 गुना है, तो इसका मतलब नूरी, नूरी का मतलब है एक्स और वाई का 3 गुना, ऐसे होता. बट ये कब की बात कर रहा? 5 साल पहले की. तो इसलिए आपको नूरी की भी और सोनू की भी, देखो मेन इक्वेशन हमारी ये बन रही है n इज इक्वल टू 3s, नूरी सोनू का 3 गुना. बट कब की बात है ये? 5 साल पहले की. तो इसलिए आपको नूरी की 5 साल पहले की एज कितनी होगी? नूरी 5 साल पहले क्या होगी? x माइनस 5 और जो सोनू होगा y माइनस 5. आपको पता है 5 साल पहले अगर आज की एज x है नूरी की, तो 5 साल पहले क्या होगी? कम होगी, ठीक है, 5 कम हो जाएगी सोनू की. अब n इज इक्वल टू 3s, नूरी n 5 साल पहले थी की बात हो रही है. नूरी वाज थ्राइस, 3 गुना किसका? सोनू का. यहां सोनू s की वैल्यू पुट कर देनी, s कितना? y माइनस 5. ये हमारी इक्वेशन बनी 5 साल पहले. ये आगे हमारी नूरी की, ये आगे हमारी सोनू की. नूरी 5 साल पहले 3 गुना थी किससे? सोनू से. तो दिस इंप्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15. x माइनस 5 इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं y को 3y इधर ले आए 3y को, और माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. ये बन गई एक इक्वेशन. सेकंड कंडीशन, अब 10 साल बाद की बात हो रही है, 10 इयर्स लेटर. अब 10 साल बाद नूरी और सोनू की हमें 10 साल की एज चाहिए, 10 साल बाद की, ठीक है. नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दुगना किससे? सोनू से. नूरी दुगना हो जाएगी सोनू से. कब? 10 साल बाद. तो यहां पे नूरी की एज आएगी, बट कब की? 10 साल बाद की. तो 10 साल बाद नूरी क्या हो जाएगी? x प्लस 10 ट्वाइस, ये दुगना होगी किससे? सोनू से. सोनू की एज 10 साल बाद, आज y ईयर्स है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 10. समझ आया भाई? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y, 20 माइनस 10. क्या करेंगे हम? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है. सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 10. अब देखिए x के कोफिशिएंट सेम है, दोनों सेम साइन है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कैंसल हो गया. माइनस 3 ये प्लस का हो गया, अब 2. माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1. माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y कितना आ गया? 20. पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन. आपकी मर्जी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, जो कि आपको सुटेबल लगता हो. सेकंड में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2y 20 है इज इक्वल टू 10. तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10. तो x कितना आ गया? उधर 40 प्लस का हो जाएगा 50. तो दिस इंप्लाइज लिखना है आपने, हैंस नूरी प्रेजेंट एज, इसको रब कर दू, देखें इधर, हैंस नूरी प्रेजेंट एज
एक्स था हमने, नूरी एस माना था हमने कितना 50 इयर्स, सोनू प्रेजेंट एज कितनी, वाई हमारा सोनू था 20 इयर्स। अब आप जो कंडीशन बता रखी थी, वैसे तो यहां पे हमारा फिनिश हो गया क्वेश्चन। अब देखें, आप देख सकते हैं 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी सोनू से। अब आज की एज ये है, अब 5 साल पहले नूरी की कितनी हो जाएगी 45, और इसकी कितनी हो जाएगी 15, और 45 15 का कितना है 3 गुना, यानी कि नूरी सोनू से कितना 3 गुना।